सो है गाइस, व्हाट्स अप, कैसे से लोग। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप को इस प्रॉब्लम से ठीक कैसे करें, इस प्रॉब्लम से। लेकिन गाइस, एक चीज़ और, मैंने जब इसे ठीक किया तो एक चीज़ आ गया, विंडोज़ इज़ नॉट, यही कुछ आया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस ALT और डिलीट को भी दबाना पड़ेगा। यहाँ से मुझे टास्क मैनेजर देखने को मिला, ये देखिए, यहाँ से आपको टास्क मैनेजर दिखाई दे गया होगा। यहाँ से इसे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ खुल के आई है, तो यही से मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मुझे प्रॉब्लम आ रही है और ये ठीक भी मुझसे हो नहीं रही है। यहाँ पे पावर पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अभी से हटाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्लोरर डॉट exe। देखिए गाइस, ये आ रही है, ये वाली, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस, आप मुझे इसके बारे में कोई सलूशन बताइए कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकूं, क्योंकि गाइस मैंने इस प्रॉब्लम को मैंने ठीक किया है, बहुत बड़े ठीक किया है, लेकिन ठीक नहीं हो रही है। तो गाइस, ये प्रॉब्लम तब से आ रही है जब से मैंने विंडोज़ 7 को 11 में कन्वर्ट किया, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो इस प्रॉब्लम को मुझे दूर करना है, तो प्लीज़ गाइस कोई ना कोई तरीका बताइए कि मैं इस प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। तो मैं इसे हटा लेता हूँ। तो मैं इसे लगाने के लिए मेरे पास एक और तरीका है जिससे कि ये लग जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, शो प्रोसेसर फ्रॉम ऑल यूज़र, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मुझे दो दे रहा है, एक मेरा मेरे चैनल का नाम दे रहा है और एक ही विंडोज़ अल्टीमेट, तो मैं इसे ही ले लेता हूँ यस करके। और यस करने के बाद मुझे फिर से यहाँ पे इसे इनेबल करना पड़ेगा, न्यू टास्क से रिगिडिटी टैब लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्सप्लोरर लिखना है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैंने इसे पहले से ही रखा हुआ है अपने पास। तो यहाँ से मैंने ओके किया, अभी गाइस खुल के आ जाएगा थोड़ी देर में ही मेरा। तो गाइस, मेरा लैपटॉप थोड़ा पुराना टाइप का है, तभी गाइस ऐसा कुछ आता है, क्योंकि गाइस ये बहुत पुराना लैपटॉप है। और गाइस, अब मेरा सब खुल चुका है, लेकिन गाइस तब भी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ से विंडोज़ एक्सप्लोरर में ओपन करूँगा, स्टार्ट मेन्यू तो ओपन होता है, ये देखिए गाइस, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, ये देखिए पूरी तरह ओपन हो गया है। जैसे मैं ऐसे पर्सनलाइज करना चाहता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक से कुछ नहीं हो रहा, ये देखिए कुछ नहीं हो रहा गाइस। ये पर्सनलाइज करने की कोशिश कर रहा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ये प्रॉब्लम की वजह से। ये देखिए, बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने, मुझे बार बार फेस करनी पड़ रही है। तो मैंने इसके लिए बहुत से सोल्यूशन किए, लेकिन तब भी ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो पर एक सोल्यूशन बताएं कि ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं और लैपटॉप पे भी कोई चीज़ डाउनलोड करके आपको दिखा सकूं, कोई नई चीज़ करके। तो मैंने बहुत बार इसे ठीक किया, लेकिन ठीक नहीं हो रही है। तो प्लीज़ कोई ना कोई सोल्यूशन बताइए ताकि मैं इसे ठीक कर सकूँ। मेरा लैपटॉप गाइस एसर का है, एसर का, ये देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी लाइट जला के दिखाता हूँ, एसर का है। तभी गाइस से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गाइस बहुत पुराना लैपटॉप है, छोटा सा, देखिए ऐसा ऐसे साइज का लैपटॉप है ये। और ये कीबोर्ड मैंने कनेक्ट करके रखा है, क्योंकि ये इसका ख़राब है। और ये कीबोर्ड मैंने कनेक्ट करके रखा है, इससे मैंने गेम खेल के दिखाया था। तो गाइस, मैं इंडिया इस कीबोर्ड से ही खेलूँगा और आपको एक वीडियो भी दूंगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो भाई गाइस, इस पर बस मुझे चाहिए, आप ये दिखाता हूँ आपको गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन बता देना ताकि मैं इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकूँ। ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, मैंने एंड्रॉयड से लैपटॉप को कनेक्ट करना, तभी मैं इसे पहले ठीक कर लूँ, उसके बाद एंड्रॉयड से लैपटॉप कनेक्ट करूँगा ना, तभी ठीक भी नहीं हो रही है। तो गाइस प्लीज़, इस पर मुझे, इस फेस पे मुझे प्रॉब्लम के बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन बताए ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ये प्रॉब्लम कर देना शेयर, ताकि वो समझ पाएँ और वो मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन बताएं। तो गाइस, मुझे प्रॉब्लम बता दीजिएगा। तो गाइस, अब मैं वीडियो एंड करने का आ गया, तो मैं चलिए वीडियो एंड करता हूँ अपनी। तो प्लीज़ बता दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ट्रेनर ब्लॉग्स गेमर, और इस प्रॉब्लम के बारे में बता दीजिएगा। तो गाइस, बाय।